इसी बीच रुक करते जबलपुर का बड़ी खबर। जबलपुर ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, 5 शराब कारोबारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। एमआरपी से अधिक दाम में बेच रहे थे शराब, ईओडब्ल्यू ने खुद किया था स्टिंग ऑपरेशन, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से खरीदी थी शराब। से ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 5 शराब कारोबारियों पर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 शराब कारोबारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू ने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया, यहां पर एमआरपी से ज्यादा दाम में शराब बेची जा रही थी, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से शराब खरीदी गई। जबलपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 5 शराब कारोबारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई है, ईओडब्ल्यू ने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से शराब खरीदी जा रही थी, इसका भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी कार्रवाई इस वक्त की ईओडब्ल्यू ने की है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 5 शराब कारोबारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय साहू जुड़ गए। जी संजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से शराब बेची जा रही थी? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में लगातार शराब जो कारोबारी हैं उनके द्वारा एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब जो है वो बेची जा रही थी, इसकी शिकायतें भी लगातार की गई हैं। और साथ में जो विधायक हैं यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सुशील तिवारी हिंदू जो भाजपा के ही विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था इस पर कार्रवाई करने, लेकिन कार्रवाई उस प्रकार की नहीं हो रही जिस प्रकार की होना चाहिए थी। इसको लेके लगातार शिकायतें ही मिल रही थी, इस पर ईओडब्ल्यू द्वारा संज्ञान लिया गया और उन्होंने जो है स्वयं जाके ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से शराब खरीदी तो देखा कि जो एमआरपी है उससे ज्यादा दाम में शराब बेची जा रही है, उसको लेके उन्होंने मामला दर्ज किया। और ये भी बात सामने आई है ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में कि यहाँ पर एक सिंडिकेट बना हुआ है जो पूरे शराब कारोबारी जो है उनका एक पैनल बनाया गया है और उन्होंने दाम तय कर रखे हैं कि इस दाम से कम में हम शराब नहीं बेचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और चूंकि अब ईओडब्ल्यू ने ये कार्रवाई की है जिससे शराब व्यापारियों में जो है हड़कंप की स्थिति मची हुई है और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई है कि जो शराब कारोबारी है उनके द्वारा शासन को, राज शासन को तो चूना लगाई जा रहा है, साथ में जो शराब प्रेमी है उनको भी यहाँ पर चूना लगाने की बात की जा रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो सिंडिकेट बनाया गया है और इसके जरिए धोखाधड़ी जो है वो की जा रही थी, एमआरपी से ज्यादा रेट में यहाँ पर शराब बेची जा रही थी। सिंडिकेट के माध्यम से ये तय किया गया कि इसी दाम पर शराब बेची जाएगी और इन 5 कारोबारियों पर अब ईओडब्ल्यू ने अपना शिकंजा कसा है और 5 कारोबारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया गया है।